शुक्रिया साईं, अब मैं चलता हूं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, आप ये क्यों करने बैठ गए? हम आ रहे थे तो हम कर देते। भाई की सेवा करने से पुण्य मिलता है केशव, मैं तो बस वही पुण्य कमा रहा हूं। इतनी देर कैसे हुई? होलिका दहन में कुछ ही दिन शेष है। हर साल की तरह इस साल भी खंडोबा जी के मंदिर के बाहर होलिका दहन करना है, इसीलिए हम उसी की तैयारी में जुटे थे। ये थाल किस लिए साईं? बताया ना, आई की सेवा के लिए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है साईं। आज हम तीनों को कोपरगांव जाना है। कोपरगांव? गोपीचंद साहूकार के बेटे की शादी हुई है, उसने आई अंबाबाई का गोंधर रखा है, उसी में शामिल होने के लिए जाना है। ये थाल उसी के लिए है। माना शादी यहां से दूर नागपुर में हुई, इसलिए नहीं आए आप, लेकिन इस बार आपको कोपरगांव आना ही पड़ेगा। घर पर आई अंबाबाई का गोंधल रखा हुआ है, आप आइए और आकर नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद दीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा उनके साथ है गोपीचंद, लेकिन संयोग ऐसा बन रहा है कि उसी दरमियान होलिका दहन भी है। शिरडी में हम बड़ी धूमधाम से इसे मनाते हैं, पहले से ही तैयारियां शुरू रहती हैं। ऐसे में मैं अगर कहीं बाहर चला जाऊं तो शिरडी वासियों को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ गोपीचंद जी, साई अगर उस दौरान शिरडी में ना रहे तो शिरडी की होली फीकी पड़ जाएगी, बच्चे बूढ़े सब बहुत उदास हो जाएंगे। मैं समझ सकता हूं शिरडी वासियों का कितना लगाव है साईं से, अब जो साईं चाहे वो ही सही। लेकिन साईं, मैं जानता हूं तात्या तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैंने अपना निर्णय बदला है तो कोई वजह तो जरूर होगी। पर साईं, होलिका दहन नजदीक है, ऐसे में जाना क्या ठीक होगा? हम समय रहते वापस लौट आएंगे ना, और फिर आप तैयारी में नहीं रहेंगे तो शेडी वासी चिंता करेंगे। होलिका दहन सिर्फ एक विधि नहीं केशव, एक विचार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का विचार, और एक तरह से मैं भी होलिका दहन की तैयारी करने ही जा रहा हूं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।